हेलो दोस्तों, पावर प्लांट गाइड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ईएसपी क्या होता है, ईएसपी में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और कैसे ईएसपी किसी फ्लू गैस से डस्ट पार्टिकल को सेपरेट करता है। इन सभी बातों का डिस्कस इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, तो ये एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसके द्वारा हम लोग फ्लू गैस से डस्ट को सेपरेट करते हैं। इसमें डस्ट का जो प्रेसिपिटेशन होता है वो स्टैटिक फोर्स के कारण होता है जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का एक जगह कलेक्ट होना, जमा होना, और ये जो प्रेसिपिटेशन होता है वो इसी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सप्लाई के कारण होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या शॉर्ट में ईएसपी कहा जाता है। अब इसके एक एक कंपोनेंट देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। तो ये हो गया पूरा ईएसपी। ईएसपी में जैसे ही यहाँ पे फ्लू गैस एंट्री करता है तो यहाँ पे जीडीएस होता है, जिसे गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रीन कहा जाता है। इसमें कई सारे फील्ड होते हैं, प्रत्येक फील्ड में सिक्वेंस बाय सिक्वेंस डिस्चार्ज प्लेट और कलेक्टिंग प्लेट लगे होते हैं। प्रत्येक फील्ड के लिए अलग अलग एक टीआर होता है, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर, जो हाई वोल्टेज डीसी पावर सप्लाई करता है। जब कलेक्टिंग प्लेट में डस्ट जमा हो जाता है तो उसको सेपरेट करने के लिए रैपर मैकेनिज्म लगा होता है, जिसमें एक सीक्वेंस टाइम पर प्लेट में हैमरिंग किया जाता है ताकि जो डस्ट है वो नीचे वेसल में कलेक्ट हो पाए। ये हो गए कुछ इसके बेसिक कंपोनेंट। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं कि कैसे फ्लू गैस जब ईएसपी में एंट्री करता है तो डस्ट पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं और हमें एक फ्रेश हॉट एयर आउटलेट में मिलता है। तो देखिए, इस ईएसपी में जैसे ही फ्लू गैस एंट्री करता है तो जस्ट यहाँ पर जीडीएस लगा होता है, जो इस हाई वेलोसिटी फ्लू गैस का वेलोसिटी लो करता है और फ्लू गैस को इक्वली ईएसपी में डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि हर जगह जो है डस्ट का सेपरेशन इक्वली हो पाए। ईएसपी में लगभग फ्लू गैस का जो वेलोसिटी होता है वो 1 मीटर पर सेकेंड होता है, ताकि फ्लू गैस में जो डस्ट है उसे आयोनाइज होने के लिए एक टाइम मिल पाए और वो कलेक्टिंग प्लेट में कलेक्ट हो पाए। अब जैसे ही फ्लू गैस जीडीएस से आउट होता है तो वो फर्स्ट फील्ड में पहुंचता है, जिसमें सेवरल नंबर ऑफ डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड और कलेक्टिंग प्लेट लगे होते हैं। इस ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर की मदद से हाई वोल्टेज डीसी पावर सप्लाई इस डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड को दिया जाता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है। कलेक्टिंग प्लेट जो है उसे पॉजिटिव चार्ज किया जाता है, जो कि ग्राउंडेड होता है। समझने में आसानी हो इसलिए एक सेट को मैंने यहाँ पे दिखाया है, जिसमें जो ये बीच वाला है वो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड है, जिसको इमिटिंग इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, और जो ये दोनों साइड दिख रहे हैं वो कलेक्टिंग प्लेट है, जिसमें डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और जो कलेक्टिंग प्लेट होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे ग्राउंडेड कर दिया जाता है। अब जैसे ही फ्लू गैस यहाँ पे एंट्री करती है, और चूंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज पावर सप्लाई के कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जिससे जो फ्लू गैस में जितने सारे डस्ट है वो आयोनाइज होने लगते हैं और डस्ट भी नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। यहाँ पर जिस इफेक्ट के कारण फ्लू गैस के जो डस्ट है वो आयोनाइज हो रहे हैं, जिसके कारण इनमें नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, इसी को कोरोना इफेक्ट कहा जाता है। कोरोना इफेक्ट क्या होता है, तो बारिश के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब हाई टेंशन की वायर जाती है तो वहाँ पर कुछ चड़चड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। उसका जो रीज़न है वो कोरोना के कारण ही होता है, वहाँ पर हाई वोल्टेज के कारण कोरोना इफेक्ट जनरेट होता है। तो जस्ट वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जैसे ही यहाँ पे कोरोना इफेक्ट जनरेट होता है तो फ्लू गैस में जितने सारे डस्ट है वो आयनाइज होकर नेगेटिव हो जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव चीज़ जो होता है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इस डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड के अगल बगल कलेक्टिंग प्लेट लगे होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिस पर जाकर जो डस्ट है वो चिपक जाते हैं और आगे की ओर हमें फ्रेश हॉट एयर मिलती है। और यही प्रक्रिया सेकेंड फील्ड में, थर्ड फील्ड में भी होता है। और चूंकि जो फर्स्ट फील्ड जो है वो फ्लू गैस के कॉन्टैक्ट में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले आता है, इसलिए यहाँ पे डस्ट का कलेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। लगभग 60-70% डस्ट का कलेक्शन यहीं पे हो जाता है। फिर उसके बाद जो भी बचता है वो सेकेंड फील्ड और थर्ड फील्ड में होता है। अगर आपकी ईएसपी में 3 से ज़्यादा फील्ड दिए हुए, मान लीजिए 5 है या 7 है, तो उस समय डस्ट का जो कलेक्शन होगा वो 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर में सबसे ज़्यादा होगा। फिर वो धीरे धीरे लास्ट फील्ड तक डस्ट का कलेक्शन कम होता जाता है। अब जैसे ही फ्लू गैस में जो डस्ट पार्टिकल है वो कलेक्टिंग प्लेट में जमा होता है, तो उसे झाड़ कर नीचे गिराने के लिए
एक रैपर मैकेनिज्म लगा होता है जिसे CRM कहा जाता है, कलेक्टिंग रैपर मैकेनिज्म। इसमें एक मोटर होता है जिसके सेट में कई सारे हैमर लगे होते हैं जो सेवरल टाइम पे कलेक्टिंग प्लेट पे हैमर करते रहते हैं, जिससे जो डस्ट पार्टिकल है वो हॉपर में आकर गिर जाता है। ठीक उसी तरह अगर डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड में कुछ डस्ट जमा हो गए हैं तो उस डस्ट को झाड़कर नीचे गिराने के लिए DRM होता है, डिस्चार्ज रैपर मैकेनिज्म। इसमें भी एक मोटर होता है जिसके साथ में कई सारे हैमर लगे होते हैं जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड के जस्ट ऊपर हैमर करते हैं, जो पेंटा हाउस में सिचुएटेड होता है। पेंटा हाउस CSP का टॉप भाग होता है जिसमें कई सारे इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इसके जस्ट टॉप फ्लोर पर प्रत्येक फील्ड के लिए ट्रांसफार्मर का अरेंजमेंट किया रहता है जो इस इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज DC पावर सप्लाई देते हैं। एक मैकेनिज्म होता है GDPRM, गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट रैपर मैकेनिज्म। इसका यूज हम लोग GDS के लिए करते हैं क्योंकि जैसे ही फ्लू गैस इसमें एंट्री करता है तो कुछ टाइम के बाद इसके स्क्रीन में कुछ डस्ट जमा हो जाते हैं, तो उस डस्ट को झाड़कर नीचे गिराने के लिए GDPRM का यूज किया जाता है। इसमें भी एक हैमर का यूज किया जाता है जो इसके चैनल में हैमरिंग करके सारे डस्ट को झाड़कर नीचे गिराते हैं। अब जितने सारे भी डस्ट हैं वो इसी हॉपर में आते हैं जहाँ पर हम लोग एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ताकि जो डस्ट है वो आपस में चिपके ना, और उसके बाद हम लोग सारे डस्ट को एक वेसल में कलेक्ट कर लेते हैं और एयर हैंडलिंग की मदद से इन सभी फ्लाइयर्स को साइलो भेज दिया जाता है। आई थिंक ESP का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।